रूस यूक्रेन युद्ध का 18वां दिन आज है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की जोरदार बमबारी, शहर में महातबाही के निशान। यूक्रेन की राजधानी में जोरदार धमाका, बीच सड़क पर रूसी सैनिकों ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी है। धमाके के बाद थमी गाड़ियों की रफ्तार। कीव में हवाई हमला और गोलीबारी जारी, लोगों को शेल्टर में जाने की सलाह, अलर्ट करने के लिए बज रहे हैं सायरन। यूक्रेन पर रूस की तीन तरफ से घेराबंदी, कीव पर कब्जे के लिए रूस के हमले तेज, कीव की ओर तेजी से बढ़ रही रूसी सेना। रूस और यूक्रेन के बीच में जारी जंग की बेहद खतरनाक तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन ने कीव की तरफ बढ़ रहे रूसी टैंकों को काफिले को निशाना बनाया है, एक एक कर कई टैंक किए तबाह। कीव में रूस के सैनिकों ने एक बच्चे समेत 7 लोगों को मारी गोली, यूक्रेन ने रूस पर लगाए सनसनीखेज आरोप। कीव के करीब रूस के हमले जारी, यूक्रेन सेना ने जवाबी कार्रवाई की है, रूस का हेलीकॉप्टर मार गिराया। मारियुपोल में रूसी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों में किए हमले, इमारतों पर जानबूझकर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, तबाही की दर्दनाक तस्वीरें आई सामने। रूस यूक्रेन के बीच में 18वें दिन भी भीषण संघर्ष जारी, मारियुपोल के बाहरी हिस्से पर रूस का कब्जा। यूक्रेन के शहर में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, यूक्रेन पर मिसाइल बरसा रहे हैं रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर, यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हुई नष्ट। रूस ने दिखाई अपने तोपखाने की ताकत, तोप से दागे गए गाइडेड गोले ने यूक्रेन के टैंक को बनाया निशाना, हमले में टैंक पूरी तरह बर्बाद। रूस ने जारी किया यूक्रेन के एक एयरबेस पर कब्जे का वीडियो, वीडियो में हेलीकॉप्टर से उतरते दिखाई दिए सैनिकों ने एयरबेस को अपने कंट्रोल में लिया। यूक्रेन के चर्निहिव में सड़क पर गश्त लगाते दिखे रूसी सैनिक, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस के हमले में अस्पतालों को भी नुकसान, माइकोलाइव शहर में एक अस्पताल के बमबारी की चपेट में आने की खबर। रूस और यूक्रेन की जंग में लगातार बढ़ रही है हताहतों की संख्या, सामने आई दिलदहलाने वाली तस्वीर, जगह जगह पड़े दिख रहे हैं सैनिकों के शव। यूक्रेन में रूसी सेना को मिल रही कड़ी टक्कर, ब्रोवेरी में यूक्रेन सेना ने उड़ाए रूसी टैंक। यूक्रेन के खार्किव में तबाही का मंजर, खार्किव में कई गांव हुए बर्बाद, हमले के बाद की तस्वीरें आई सामने। जंग के बीच में यूक्रेन का बड़ा दावा और रूसी हमलों में अब तक 79 यूक्रेनी बच्चों की मौत, 100 से ज्यादा बच्चे हुए घायल। तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ता रूस यूक्रेन युद्ध, रूस की सीमाओं से कुछ दूर नॉर्वे के पास कल से नाटो सेना करेगी युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में 27 देशों के करीब 30,000 सैनिक लेंगे हिस्सा, 200 विमान और 50 जहाज अभ्यास में लेंगे हिस्सा। रूस के साथ बातचीत के लिए जेलेंस्की हुए तैयार, इजराइल के पीएम से यरूशलम में शांति वार्ता आयोजित करवाने की अपील। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इजराइल के पीएम से की मध्यस्थता की अपील, जेलेंस्की बोले सीज़फ़ायर पर ही चर्चा होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मानी यूक्रेन की सेना को हुए नुकसान की बात, कहा अब तक उनसे उनके 1300 जवानों की जा चुकी है जान। जेलेंस्की का नया वीडियो आया सामने, कहा यह आजादी की जंग, देश की रक्षा के लिए अपना 100% झोंके लोग। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को दिया जोर का झटका, यूक्रेन ने अब तक $5.1 अरब के रूसी उपकरणों को किया नष्ट। यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का किया दावा, कहा जवाबी हमले में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारे गए। यूक्रेन ने रूस के 362 टैंक, 58 लड़ाकू विमान ध्वस्त कर दिए हैं, 83 रूसी हेलीकॉप्टर्स को बर्बाद करने का भी दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले रूस के 500 से 600 सैनिकों ने यूक्रेन के सामने किया सरेंडर। रूस यूक्रेन से जंग जीतने में सफल रहा तो लिथुआनिया पुतिन का अगला लक्ष्य बन जाएगा, यूक्रेन ने आने वाले खतरे का जताया अंदेशा। मारियुपोल के मेयर ने किया बड़ा दावा, 12 दिनों में गोलीबारी के दौरान मारे गए 1582 सिविलियंस। यूक्रेन में युद्ध वाले इलाके में फंसे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी, यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में 13,000 नागरिकों को ह्यूमन कॉरिडोर से निकाला। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए विदेशों से यूक्रेन वापस लौट रहे हैं नागरिक, पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा यूक्रेनियन लौटे हैं अपने देश। यूट्यूब ने रूसी मीडिया चैनल्स को किया है ब्लॉक, प्लेटफॉर्म पर वीडियो विज्ञापन से कमाई करने पर लगाई रोक। मारियुपोल शहर के मेयर के अपहरण के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों ने की मेयर को जल्द से जल्द छोड़ने की जंग। दिल्ली में पीएम मोदी से आज मिलेंगे योगी आदित्यनाथ, यूपी चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी से पहली बार मिलेंगे योगी आदित्यनाथ, नई सरकार के गठन पर चर्चा संभव। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक, हार पर हो सकता मंथन, नेतृत्व पर भी चर्चा संभव।
यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का शायर मुनव्वर राना पर निशाना, कहा सभी को खुद सीएम योगी दे रहे हैं सुरक्षा, कवियों शायरों का सबसे ज्यादा सम्मान बीजेपी ने किया। मथुरा विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से का किया है फैसला, शाही मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई, 25 जुलाई को होगी सुनवाई। बलिया के रसला सीट से विधायक उमा शंकर सिंह के बीजेपी में जाने की अटकलों पर लगी विराम, उमा शंकर सिंह ने पत्र जारी कर अटकलों पर लगाया विराम, यूपी में बीएसपी के एकमात्र विधायक हैं उमा शंकर सिंह। सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने आम जनता पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा जनता ने नहीं सुनी हमारी बात, बीजेपी पर लगाया यूज एंड थ्रो का आरोप। मऊ में भड़काऊ भाषण मामले में नवनिर्वाचित विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, पुलिस ने अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 धाराएं बढ़ा दी। सपा सांसद आजम खान की बड़ी मुश्किलें, 2 मामलों में कोर्ट से आरोप तय, 26 मार्च को होगी यतीमखाना प्रकरण की अगली सुनवाई। उत्तराखंड में सरकार बनाने की कवायद तेज, बीजेपी नेताओं का शुरू हुआ दिल्ली दौरा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, सुबोध उनियाल समेत रेखा आर्या दिल्ली में मौजूद। सीएम नीतीश कुमार का बाढ़ दौरा, पंडारक में सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर समर्थकों से की मुलाकात, कहा 17 साल के शासन के बाद नई पीढ़ी से आया हूं मिलने। शरद यादव की पार्टी का आरजेडी में होगा विलय, 20 मार्च तय की गई है तारीख, कुछ दिनों पहले दिल्ली में हुई थी तेजस्वी और शरद की मुलाकात। मुजफ्फरपुर के बोचुहा विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान, 12 अप्रैल को मतदान, 16 अप्रैल को होगी वोटों की गिनती, वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से खाली हुई थी सीट। लातेहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, कहा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा ललमटिया, मंत्री बादल पत्रलेख और राजेश ठाकुर भी रहे साथ। बिहार में बेखौफ बदमाशों की हिमाकत, अररिया में रजिस्ट्री ऑफिस के डाटा एंट्री ऑपरेटर से की 13 लाख की लूट, मधुबनी में किराना दुकान से 2.5 लाख की लूट। विक्रम अनुमंडल के रानी तालाब थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है, ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है, फिलहाल पुलिस ने शव बरामद कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। अररिया में नगर थाना के खरैया बस्ती के पास डाटा ऑपरेटर से 13 लाख रुपए की लूट की गई, 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर पैसे लूट लिए हैं, जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कटिहार में एक बुजुर्ग पर स्कूल की मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है, पीड़ित परिवार में आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले में एक्शन ले रही है। देवघर नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से महिला सशक्तिकरण को लेकर एक भव्य शपथ समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। भागलपुर के नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता, 2 अपराधियों को नवगछिया के नवादा थाना क्षेत्र के सवधेश कुमार और मुंगेर के धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया गया। बक्सर में फर्जी साइलेंस पर हथियार तस्करी का नया खुलासा, हाईटेक गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। बघा के रामनगर में आगामी होली पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन का शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान जारी। बघा के नरकटियागंज में पुल संख्या 311 पर मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई और जिसके बाद अफरा तफरी मच गई, हालांकि इस दौरान कोई घटना नहीं हुई। पटना सिटी में ईंट पत्थर से कूचकर एक युवक की हत्या, परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर शराब पिलाकर हत्या करने का लगाया आरोप। नवादा के मिर्जापुर में नकाबपोश अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में इलाज जारी। बेतिया में शिक्षक ने 5वीं क्लास के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसे गंभीर हालत में अब जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। वैशाली के लालगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात के समय घर में सो रहा था युवक। किशनगंज के रमजान पुल के नीचे संदिग्ध हालातों में मिला है शव, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। चतरा में पति पत्नी विवाद का खौफनाक अंजाम, ससुराल वालों पर जहर देकर शख्स की हत्या का आरोप। बेगूसराय में गोली लगने से घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, मौत के बाद परिजनों ने नगर थाने पर किया जमकर हंगामा। मधुबनी में हथियारबंद अपराधियों ने व्यवसायी के यहां पर जमकर तांडव मचाया है, दुकान पर ढाबा बोलकर लूटपाट। बेगूसराय में बकरी को लेकर विवाद में दबंगों ने घर में परिवार वालों पर हमला कर दिया है, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रण क्षेत्र में तब्दील हुआ डीएमसीएच, मेडिकल छात्रों ने कई गाड़ियों और दुकानों को किया आग के हवाले, 4 फायर ब्रिगेड कर्मी समेत 3 दुकानदार झुलसे। नवादा में शख्स की हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर काटा बवाल, पुलिस को भी करना पड़ा विरोध का सामना। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र में देर रात जमकर हुआ बवाल, युवक की पूर्व मेयर और उसके बेटे ने की थी पिटाई। गुमला में बीआरपी सीआरपी महासंघ ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया है, एडीपीओ पर बेवजह ही बीआरपी और साथ ही सीआरपीओ को परेशान करने का आरोप। मुजफ्फरपुर में कबाड़ की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया है, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बेतिया के लोकरिया गांव में आग लगने से दर्जनों घर जलकर खाक हो गए हैं, आग से बांध के नीचे रहने वाले ग्रामीणों का सब कुछ तबाह हो गया।
वैशाली के बिदुपुर में निर्माण कंपनी के ट्रैक्टर ने पिता पुत्र को रौंदा, बेटे की मौत पर हुई मौत, मौके पर ही मौत हो गई, पिता का इलाज जारी, गुस्साए लोगों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। बांका के पंजवारा धेरेया स्टेट हाईवे के पास एक तेज रफ्तार मिनी हाईवा पुलिया में जा गिरी, बाल बाल बची चालक की जान। लखीसराय में 26 फरवरी से नगर थाना क्षेत्र के भोला टोला मोहल्ले से लापता युवक का अभी तक नहीं मिला है कोई सुराग। सहारनपुर के देवबंद में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, दारुल उलूम चौक के पास बिल्डिंग में छापेमारी कर 3 युवकों को हिरासत में लिए, 4 महीने से अवैध रूप से रह रहे थे बांग्लादेशी युवक। सिवान में बैंक मैनेजर और वाहन चालक से चाकू मारकर 2 लाख रुपए की लूट, मौके से 7 वाहन भी लूटकर हुए फरार। पश्चिम चंपारण के रामनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में सेंध लगाने के साथ फ्रॉड का मामला, फर्जी निकासी का खुलासा खुद प्रखंड प्रमुख ने किया। कैमूर में भभुआ के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य महकमे में बड़े घोटाले का किया खुलासा, 8,30,000 रुपए की सरकारी राशि के दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। मुंगेर में आरजेडी नेता से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की खबर फर्जी निकली है, खड़गपुर एसडीपीओ ने इसका खुलासा किया। चतरा में पति पत्नी विवाद का खौफनाक अंजाम, ससुराल वालों पर जहर देकर शख्स की हत्या करने का आरोप। आरा से बिहिया से आ रही बस में से 29 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने मौके से 4 तस्करों को भी धर दबोचा। मशेदपुर के सिद्धगोड़ा में बस्ती से पुलिस ने 5 किलो गांजा बरामद किया है, गांजा कारोबारी घर के मुखिया गंगा सिंह की गिरफ्तार। नेहरू युवा केंद्र की ओर से जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमुई के लोहंडा कॉलेज परिसर में अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधी गिरफ्तार, मौके से हथियार कारतूस समेत लूट के मोबाइल भी बरामद। मुंगेर में अवैध पटाखा को लेकर जमालपुर बाजार में पुलिस की छापेमारी, घर से भारी मात्रा में अवैध पटाखे किए बरामद। हजारीबाग में बिहार झारखंड उत्पाद विभाग का शराब माफियाओं के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन, बिहार सीमा से सटे कई शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने 30 लीटर शराब के साथ महिला को किया गिरफ्तार। सहरसा में ट्रक चपर गिट्टी की आड़ में छिपाकर लाई जा रही अंग्रेजी शराब की 55 पेटी बरामद, होली के अवसर पर खपाने की थी तैयारी। समस्तीपुर में होली में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने को लेकर जिले के सभी थाने को 2-2 ब्रेथ एनालाइजर मशीन दिया गया है, जो कि गश्त पदाधिकारी के साथ मिलकर थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर शराबी को चिन्हित करेगी। गोपालगंज में 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है, 1 का इलाज सदर अस्पताल में जारी है, स्थानीय लोगों ने जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर की। त्योहारों से पहले अलर्ट हुआ है जिला प्रशासन, होली और शबे बारात को लेकर रांची में उपायुक्त ने की है शांति समिति की बैठक, एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। शेखपुरा के जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, इस दौरान जज ने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा वादों का निपटारा करने की अपील की। जिला विधिक प्राधिकार देवघर की ओर से कोच परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शिविर लगाया गया। मुंगेर के जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुंगेर की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बोकारो में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है, अब नहीं लगाने पड़ेंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर। खूंटे के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन। खाद नहीं मिलने के चलते किसानों की परेशानी को देखते हुए लातेहार कृषि विभाग की ओर से खाद विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया गया। डाल्टनगंज शहर के टाउन हॉल में कांग्रेस का प्रमंडलीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सासाराम के सदर अस्पताल में जीविका दीदियों की ओर से संचालित दीदी की रसोई की शुरुआत की गई है। सिमडेगा में महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा मैं लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं के नारों के साथ रैली का आयोजन किया गया। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।